हम लोग जा रहे हैं जसोल माता टेंपल, वहाँ से फिर दर्शन करेंगे। जाने को करीब लगेगा 3 घंटे 2.5 घंटे के आसपास। फिर वहाँ पर दर्शन करने के बाद निकलेंगे जैसलमेर के लिए, और जैसलमेर पहुँच जाएंगे हम लोग 2 से 3 बजे के आसपास। फिर देखिए अभी फ़िलहाल तो अभी गांव से होके जा रहे, गांव का रास्ता है, छोटा सा रास्ता है, विलेज रोड। आगे जाके एक छोटी सी सिटी आएगी तखतगढ़, वहाँ से स्टेट हाईवे में हम लोग टच करेंगे। रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर रुके हुए, अभी आगे जालोर सिटी आने वाली है, उसके बाद में फिर आगे की जर्नी शुरू करेंगे। अभी थोड़ी देर 2-4 मिनट से तो रुके हुए हैं, देखते हैं अभी ट्रेन आती है तो ट्रेन का नज़ारा बताते हैं आपको। टू नहीं रे, नहीं चालू है कैमरा। आ गई ट्रेन। नहीं देखिए ट्रेन आ रही है, अभी उतना ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। ये देखिए शायद यहाँ से आपको कुछ दिख जाए। ये देखिए क्या नजारा है भाई साहब, ये तो शायद कोई क्रूड ऑयल की गाड़ी है, कच्चा तेल ले जा रहे हैं इसमें से, पेट्रोलियम। लेकिन ये कितनी बड़ी है। ये रास्ता देखिए पूरा सीमेंट कंक्रीट रोड है, चालोर से निकलने के बाद पूरा जमीन से काफी मतलब कम से कम 20-25 फुट ऊपर फिलिंग करके ये बनाया गया है। काफ़ी अच्छा रास्ता है, दोनों तरफ काफ़ी हरियाली है, रोड अच्छा है, टोल भरा हुआ है, अभी पता नहीं टोल कितना रुपया लिया है लेकिन रोड तो अच्छा है। ये देखिए आगे शायद कुछ मेरे को लगता है घाट सेक्शन जैसा लग रहा है, गूगल मैप में तो बता रहे हैं, आई डोंट नो क्या है आगे। ये फाटक रेलवे फाटक बड़े आते हैं यार, यहाँ से ये तीसरा रेलवे फाटक है सवेरे से। आपको ट्रेन बताएंगे इसके लिए थोड़ा सा अलग जगह पर जाके। संभाल के रहिए राजस्थान में, ये देखिए ऐसे कई आएंगे। बाकी तो मस्त, अब आराम से 100 पे क्रूज सेट करके आराम से चल सकते हैं, ज़्यादा स्पीड नहीं करनी चाहिए। अभी हम रुके हुए बालोतरा से थोड़ा पहले, करीब 30-35 किलोमीटर एक टी ब्रेक कर लेते यार, थोड़ा थक गए थे, परेशान हो गए थे। देखते ये देखिए यहाँ पे नज़ारा है, इस तरह से चाय एक ले लेते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। ये देखो भैया हमारे चाय बना रहे। क्या भैया आपका क्या नाम है? जिनेश। अच्छा ये कितनी दुकान सभी आपकी है क्या?
क्या बात है, सही है। श्री राम स्टोर, चाय की दुकान, जनरल स्टोर, ये देखिए आइसक्रीम भी मिल जाएगी आपको और कोल्ड ड्रिंक्स भी मिल जाएंगी। वाह बढ़िया है। अभी हम लोग आ चुके हैं माता जी के मंदिर में, जसोल माता, माजीसा माता जी भी बोलते हैं, वहाँ पर जा रहे हैं। अभी देखते हैं वहाँ पर मोबाइल ले जाने देते हैं या नहीं, शायद तो नहीं जाने देंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा मंदिर है। देखिए काफ़ी बड़ा मतलब मंदिर का प्रेमिसेस बना के रखा है, बहुत ही अच्छे पर्चे हैं माता जी के, तो देखते हैं आगे। चारों जन मंदिर जा रहे हैं अभी दर्शन करने। हाय गुड्डू, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, गुड। मेरी स्नेहा भी चल रही है और हमारी मैडम पीछे चल रही है। काफ़ी बढ़िया मंदिर है माता जी का, ये देखिए। पेट्रोल भराने के लिए रुके हैं। पेट्रोल का भाव देखेंगे राजस्थान में, गुजरात में हमने कल भराया था 88 रुपीज़ का। तो गहलोत साहब थोड़ा मोदी साहब का फॉलो करो और पेट्रोल के भाव कम करो, वैट ड्यूटी कम करो। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं बाड़मेर से जैसलमेर वाले रास्ते पर। ये भी रास्ता काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, बीच बीच में थोड़े स्ट्रेचेस ख़राब है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आप लोगों को अगर कभी आते हो ध्यान रखने की ज़रूरत है तो यहाँ पे पालतू जानवर इतने घूमते हैं, बाप रे बाप क्या बताए, गाय घोड़ा ऊंट सभी जात के जानवर मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो जब भी आप आओ तो ड्राइव सेफली और धीरे धीरे चलाओ, ये जानवर कहीं से कभी कुछ भी आ जाते हैं। एक ऊंट आया था हमारे बीच में, पहुंच गए हैं और ये हमारी होटल आ चुकी है डेजर्ट टुलिप। ये देखिए इसके अंदर जा रहे हैं अभी और देखते हैं अंदर का क्या नज़ारा है। हाँ तो गुड्डू कैसे लग रहा है? स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि मतलब वो मास्क टाइप होता ना वैसा था। अभी स्नेहा आपको कैसा लग रहा है? अभी मस्त लग रहा है, सोओगी? थक गई? चलो देखते हैं ये होटल का नज़ारा, देख लीजिए बाहर से ये भीड़ देखिए। अभी हम लोग गड्डीसर लेक के यहाँ पर आए हैं। आप लगता है क्या कोरोना वगैरह कुछ था? भीड़ देखिए यहाँ पर, भीड़ ज़बरदस्त। अभी थोड़ा बोटिंग करेंगे, देखते हैं कितना नंबर आता है क्या है। अभी हम लोग गड़ीसर लेक में बैठे हैं, गुट्टू मजा ले रहा है, अंधेरा हो गया है काफी। गुट्टू हाय, यो। ये देखिए डेजर्ट टुलिप का रात का नज़ारा है, बहुत अच्छा दिखता है लाइट लगने के बाद, बढ़िया दिखता है।
गडीसर लेक से वापस आ गए हैं।